संगत जी, मेरी मैं तुच्छ जी चीज हाँ। गुरु जी दे नाल, गुरु जी दे चरणां च मेरी जर्नी शुरू हुई दिसंबर 1995 तो। और उस वक्त क्योंकि मेरे को हिंदी पंजाबी दोनों ही बोलने की आदत है, तो उस समय हमारा जो परिवार था वो बहुत ही गमगीन से हालातों से गुजरा। मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजेंद्र पाल 19 नवंबर को पूरे हो गए थे, और मेरे तीनों बच्चे एक ही जैसे थे, जैसी मैं थी वैसे ही वो थे, तीनों इस उम्र में थे जबकि एक का सहारा दूसरे को परिवार को मिलता है। तो ऐसे हालातों में समझ नहीं थी आती किधर को जाए, पर मैं ना समझ थी, गुरु जी को तो पता था कैसे संभालना है। उन्होंने, हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे उस वक्त, उन्होंने हमारे मेरे कजिन लगते हैं कुकू दिनेश शर्मा का नाम है, उनको मेरे पास भेजा। गुरुजी उस समय चंडीगढ़ में 33 सेक्टर में सत्संग किया करते थे, तो हमने तो कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था, हम तो अनजान अज्ञानी थे सारे। तो दिनेश ने आके मेरे को कहा, बहन जी थानू गुरु जी ने बुलाया। मैंने कहा केड़े गुरु जी? कहिंदा जी 33 सेक्टर च। मैं कहा मैं नहीं किसे गुरु जी नू जानदी और मैं नहीं जाना। अबोध ना समझ सी ना कुछ। नहीं भैन जी, उन्होंने कहा उन्होंने लैके आ, असी नहीं गए उस दिन। दूसरे दिन फिर आया, भैन जी गुरु जी ने कहा है उन्होंने लैके आओ। तो मेरी बेटी बहुत ही परमात्मा दे नाम नाल जुड़ी हुई है शुरू तो ही, कहन लगी मम्मी जाना है। उसनू मैं रोक नहीं सकी, और अकेली में भेजना नहीं सी चाहती, बड़ी यंग बिल्कुल उस वक्त, तो मैं चली गई। मेरा बेटा भी चला गया बड़ा वाला, छोटा लड़का मेरा उदो पटियाले पढ़ता सीगा। असी तीनों मेंबर्स चले गए, जाके महाराज बैठे से सत्संग बैठ के, लेकिन मैं बड़ी हैरान सी कि सज तज के गुरु जी तो बैठे ने, चोला पाया हुआ सी उन्हां दे औरा, वो बहुत एक तेजवान, लेकिन मैं ये नहीं समझ आई भी इन्ने सोहने कपड़े पा के गुरु जी बैठे ने। ते साडे तां उही नैरो जिहड़ा साडा दायरा सोचन दा, तन दा वी मन दा वी, कि साधा दे तां भगवा चोला हुंदा है, ते बस इस तों अगे तां जांदे नहीं उह, इह कैसे गुरु है। उस तों बाद सत्संग शुरू होया, ते गुरु जी महाराज ने इन्ना इन्ना प्रसाद बड़े हथ च, पता नहीं उस वेले प्रसाद दिंदे वेले उन्हां दा हथ वड्डे हो जांदे सीगे, कर लैंदे सी अपनी करनी दे नाल, प्रसाद परात च पाया हुआ भरिया रखिया, तो हाथ दे नाल जो देन लगते सी तां इस तरह लगता सीगा कि साढ़े बुक चो दोनों हत्थां नू जोड़ के आप बुक बनाने ना, तां उहदे चो गिर जाएगा नीचे, इन्ना प्रसाद हुंदा सी जिहड़ा महाराज दिंदे सी। उह असीं टुकुर 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 करके खाई जाना, खादा भी जांदा सीगा, देसी घिओ दा सब कुछ नाल नाल, विचों विच ही होर भी कुछ मिली जांदा सी, कदी कुछ आया कदी कुछ आया, चाह प्रसाद आ गया, इस तरह सत्संग चलदा रहिंदा सी। जदों गुरु महाराज अपने कमरे चो निकल के सत्संग च आंदे सीगे, उस वक्त उन्हां तों इक ऐसी खुशबू आंदी सीगी कि जिहड़ी लौकिक नहीं सी, इस दुनिया दी खुशबू नहीं सी। और जदों आके अपने सिंघासन ते बैठते सीगे, वो औरा एक अलग किस्म दा हुंदा सी जिसनू बयान नहीं किया जा सकता।
शायद ओही चीज थी स्वर्ग च हुंदी होनी है, असी केड़ा देखिया। लेकिन गुरु महाराज तो मैं उस वक्त समझन दा जेड़ा दायरा वह भी दुनियावी, मैं कहिंदी सी कहे जे गुरु है ये सेंट सुंट ला के बह जांदे, ये मेरी थिंकिंग सी। मैं माफ कर मैनू गुरु जी, माफ तो उन्होंने कर ही दिता क्योंकि उस तो बाद होश होश दे दिती। तां ਉਹ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਐਸਾ ਔਰਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਐਸੀ ਤਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 2 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, 1 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਹਿਣ 'ਚ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 11-12 ਵਜੇ ਸੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਨੀਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਰੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਤ ਭਾਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਵੇਰ ਸੀ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 3 ਵੱਜ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸੀ ਗਏ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਦਿਵਯ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਵਯ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ 33 ਸੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆਈ
मैं उस दिन गुरु जी नूं उच्चे बोलते सुनिया। हाँ, उस तो बाद नेक्स्ट डे फिर आ गई वो लेडी। गुरु जी ने फिर उसे तरह चिड़की दे के कहा कि तू फिर आ गई, चली जाए। तो तीसरे दिन वो फिर आई, तीसरे दिन फिर गुरु जी ने उस तरह कहा, मैंने थोड़ा जा अंदरों अंदरों ना रोस पैदा होया कि गुरु जी इस तरह क्यों बोलते ने किसी नूं, ये तो या तो बोलते ही नहीं, असीं तां कदे सुनिया नहीं इस तरह बोलते, ते क्यों बोलते ने इस तरह बेचारी। उस तो बाद चौथे दिन जदों वह लेडी आई, उन्हें बैठन दिता बकायदा, और उसी तरह जिवें संगत नूं प्रसाद दिंदे सी उन्हें भी दिता गया। लेटर ऑन जाके सानू मेरे वर्गे मूर्ख लोगों नूं भी, मैं तो सब तो ज्यादा अपने आप नूं उस वक्त अनजाण और मूर्ख मानती हाँ, कि गुरु जी ने शायद यह समझाया कि उन्होंने आप नहीं दसिया, संगत दे विचों किसी ने सानू दसिया, कहिंदे इस लेडी नूं कैंसर सी और बहुत पुराना कैंसर सी, तीसरी स्टेज ते सीगा। तो गुरु जी ने जिहड़ा उन्हां नूं तीन दफा मना किया, वह तीनों स्टेजिज उन्हां दीआं तीन दिन दे विच तीन दफा सिक्योर कर दित्ती। चौथे दिन उसनूं बैठन दिता बिकॉज उहदे अंदर कैंसर नहीं सी। ऐसे ऐसे मतलब इंसीडेंट्स उन्हां दे। एक इस तरह संगत दे विचों किसी ने सुनाया कि उहदा ऑपरेशन होण वाला सी बंदे दा PGI दे विच, तां रात नूं उसनूं लै के आए दर्शना वास्ते, आ नहीं सी रहे, जज है वह बंदा कोई। सो जो लैके आए तो कह लगे, गुरु जी कह लगे हूँ तेन कोई ऑपरेशन की लोड़ नहीं, तो उन्हें यकीन नहीं आया। दूसरे दिन PGI जो गए सज्जन, तो उन्होंने डॉक्टर ने उतो वापस करता कि सानू तक समझ नहीं आ रही की वजह है, किस तरह है, तेन कोई कैंसर ही नहीं। तो इस तरह के अलौकिक उन्होंने करिश्मे से जेडे कि असी अपने मतलब सुने ने उठ बैठा ने। और फिर जेडे सज्जन से उन्होंने अज तक भी संगत दे विच ने मैनु बहुत सारे मतलब करिश्मे उन्होंने आशीर्वाद गुरु जी दे अपने उपर लै लेंदे सीगे बहुत बारी, और बड़ी संगत बहुत उन्होंने अपना इस तरह दिया दुआवां दित्तियां ने, इस तरह का रब्बी नूर दे दर्शन करन दा और अनुभव करन दा उन्होंने बहुत बारी इहो जिहे चांसिस दित्ते ने। और बड़े अच्छे किस्मत वाले इस गलों रहे हैं कि उन्हां दी मौज हुंदी सी तां उठ के संगत नूं लंगर प्रसाद वरता शुरू कर दिंदे सीगे। छाबे च हुंदा सी उन्हां दे कोल हुंदा सीगा गुरु जी नूं कोई अकाइंड प्रसाद, लंगर प्रसाद, चपाती प्रसाद वो छाबे चो कट के आप बरतान लग जाती सी संगत, संगत खाती सी ते गुरु जी महाराज अमृत हो बरसाते। सो वो दिन ऐसे सीगे जिन्हां नूं भुल नहीं सकते, भुलन का मतलब ही नहीं, वो एक जिंदगी का पार्ट है, सब तो अच्छा, सब तो सुरीला, सब तो मिठा, सब तो प्यारा। सो इस तो इलावा गुरु जी कई दफा चाह प्रसाद पीन लई मंगांदे सीगे, वो सारा एक एक अद्धा सिप उन्होंने लैना और वो अमृत बाकी संगत। गुरु जी महाराज ने एक उन्होंने मैनू हुण तक याद है अंबी की चटनी, कच्चे अंब की चटनी, फिर पुदीने की चटनी, अचार ये थाली च जरूर हुंदा सी, स्टील दियां थालियां हुंदियां सी। अजकल वर्गे मॉडर्न जड़े बने हुए मिलते है वो चीजा नहीं सी, बर्तन स्टील दियां थालियां पित्तल दे या स्टील दे गिलास हुंदे सी जिहदे च चाह प्रसाद मिलदा सीगा सानू, और वो इन्ना अमृत एंजॉय करी दस मैं दस नहीं सकती। और मैं एक नास्तिक तो कदों मतलब गुरु जी दे चरणा दे नाल जुड़ गई, कदों उन्हां दे लगन च पै गई, मैनूं पता ही नहीं लग्या इस सफर दा। और मैं किन्नी मेरे किस्मत अच्छी महापाग के आप गुरु महाराज ने बुलाया और मेरी नास्तिकता दूर की, जी मैं मनती नहीं सी कदे। सो
पता नहीं उन्हां दा किड्डा वड्डा इह गुरु महाराज दा हाथ है, किस बुजुर्ग दा हाथ है जिन्होंने मैनूं उन्हां नूं बुलाया। और कुकू दी मैं बड़ी शुक्रगुजार हाँ जिहड़ा लैके गया और साधन बनिया मेरा गुरु जी दे चरणां दे नाल जुड़न दा। और इस तो इलावा उस वक्त डॉली डॉली गुलेरिया बीबा सुरेंद्र कौर दे बेटी है जिहड़ी, उन्हां दा भी मतलब उस टाइम दे उपर असीं बड़े शब्द हुंदे हुंदे सीगे मैनूं मतलब सुनन नूं मिलदे सी, उन्हां दे फर्स्ट हैंडेड चलदे सीगे। और इस तरह सुखी बराड वो अपने शब्द अपने गाने लिख के गुरु जी की महिमा दे गुरु जी की महिमा गान करती सी, जिहड़े कि अज तक चलते ने। अज तक तो खैर वो वर्ल्ड फेमस बन गई है। साढ़े मैं होस्टल वार्डन सी पटियाले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन च, तो उत्थे उस टाइम के उपर रही सी सुखी, 2 साल MEd की उसने, तो उदो उत्थे रही सी, बहुत प्यारी बच्ची सी उदो भी। और गुरु महाराज दे उहदे ते तां इन्नी कृपा हुई है कि बैठी हुई अज साढ़े गुरु आवना ये उसी ने लिखा होया, उसी ने शब्दबद्ध किया होया और उसी ने यह गाना म्यूजिक च भी लिया हो। बड़ी प्यारी आवाज है उस कुड़ी की, मेरी तो बेटी है बिल्कुल ही समझो वह। सो ऐसे ऐसे महानुभाव मिले और गुरु जी ने इन्ने लोगों को अच्छे संगत दे विच रख्या। और पता नहीं ना कोई पुलिस उत्थे ना कोई होर, लखां दी तादाद च हुण भी जदों गुरु जी दे समारोह हुंदे ने डुगरी जाईदा दिल्ली बड़े मंदिर दे अगे गुरु जी दे बर्थडे दे ते, और उन्हां दे जदों उन्हां ने चोला त्यागया उदों दा मतलब जो भी समारोह हुंदे ने लखां दी गिनती च लोग आंदे ने। और इन्ना मतलब अच्छा प्रोग्राम हुंदा, अच्छा ते उन्हां दे नाम दे नाल ही हो जांदा है, लेकिन पुलिस का कोई इंतजाम नहीं हुंदा, कोई लोड़ ही नहीं पैंदी किते किसे नूं भी इन्ना। हालांकि जिथे 10 बंदे हुंदे उत्थे भी लड़ाई हो जांदी बाहर तो समाज दे विच या किते होर जगह ते, लेकिन उस थां दे विच जिथे गुरु जी दा नाम जुड़िया होया कदे कोई ऐसा इंसीडेंट नहीं होया। ऐसा मेरे महाराज दा मेरे मालिक दा प्रताप है, नूर है, ये नूर है, नूर दा जादू है, उस दे नाल ही अपने आप सब कुछ हुंदा रहिंदा। हुण भी कई बार कहिंदे पुरानी संगत है नवी संगत है, मैनूं लगदा है नवी संगत जिहड़ी है वह ज़्यादा भाग्यवान है, क्योंकि असी तां गुरु जी दे नाल जदों जुड़े हुए सी असी उन्हां नूं इक दायरे च बन्निया होया सी, शरीर दिसदा सी उन्हां दा, असीं कहिंदे सी यही गुरु जी ने। लेकिन अज दी जिहड़ी संगत है वह गुरु जी दी रूह दी कली दी पूजा करदी है, वह रूह असीम है। हुण तां साढ़े लई भी असीम है, लेकिन फिर भी वह दायरा आ जांदा है गुरु जी दा शरीर जिहड़ा उस वेले उन्हां ने चोला अपना रख्या होया सी। उस तों जिहड़ी अज दी संगत है उन्हां दे कोल तां उन्हां दी खुशबू है सिर्फ जिहड़ी वह महसूस करते हैं। सानू लोग कहिंदे कि गुरु जी दे तुसी बहुत किस्मत वाले हो, तुसी गुरु जी नूं देखिया। मेरे ख्याल है गुरु जी देखण वाली चीज नहीं सीगे, गुरु जी तां महसूस करन वाली चीज सी, एक खुशबू सी, एक भाव सी जिहड़ा आदमी महसूस करदा सी। एनीवे मतलब तां चलदा रहिंदा सब कुछ। गुरु जी नूं गुरबाणी बहुत पसंद सीगी और गुरु जी दे चुने हुए शब्द जिहड़े कि अजकल अपने गुरबाणी दे चलदे हैगे आ उत्थे एंजॉय करीदे ने, एंजॉय करन दो कि आत्मा नूं छूंदे ने उह तां। और जिन्नी देर तक गुरबाणी सुनी दी है गुरु जी दे नाम दे उपर संगत बैठी हुंदी है उन्नी देर तक होर ही दुनिया च होईदा है, वो इस दुनिया दी दुनियावी जगह भी नहीं हुंदी और वो गलबात भी दुनियावी नहीं हुंदी, शायद वो होर ही किसे लोक दी हुंदी है, गुरु महाराज दा गुरु लोक दी हुंदी है। सो ऐसी मैं गुरु महाराज दी। और एक जिहड़ा गुरु जी ने बहुत ही अपने संगत दे वास्ते महसूस किया उसकी जरूरत नूं और उसनूं पूरा किया, ये लंगर प्रसाद जिहड़ा उत्थे मिलदा है ना जी, चाह प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, उस तो जिहड़ी साड़ी नारी जाती है
नारी समाज है जेड़ा ओह खास करके अनुग्रहित है, क्योंकि किचन घर दी खाने खाना देना अपने परिवार नू ए औरत दे नाल जुड़िया हुआ है, और औरत इस गलों सौभाग्यवती है। लोग तो कहिंदे काम है, मैं कहनी है रब दा आशीर्वाद है जब तुसी खाना बनाउंदे हो किचन थोड़े हाथ च आउंदी है। सो वह गुरु महाराज ने औरत नू उस दिन छुट्टी देने वास्ते कि तू बैठ इत्थे आके तेरी भी किस्मत चमके, तेरे भी सिर ते मेरा सब तो ज्यादा हाथ होना चाहिए, गुरु महाराज ने लंगर प्रसाद की प्रथा मेरी मैनू कई तो फैसला महसूस होता है कि लंगर प्रसाद की प्रथा ही उत्थों शुरू की है भी लै बीबी तू भी बैठ, तू बैठ तेनू इत ही मिलूगा सब कुछ। और इन्नी शांति होंगी अपने लंगर के एटमोसफेयर के, मैं मेरा ख्याल है मैं दसन की लोड़ ही नहीं। दूसरे जड़ा गुरु जी महाराज ने लंगर की प्रथा शुरू की उस टाइम के गुरु महाराज के तक भी और हूँ भी कई थावां ते हुंदी है। वो अपने इत्थे जनरल साहब के घर जो हुंदा सी तां असी उस वेले वो लंगर खाधा है, थाली दे विच चार बंदे इकट्ठे खांदे सीगे, जेड़ा भी थोड़े नाल आ गया उसके नाल गुरु जी ने समाज नू इन्ना नज़दीक लिया, कोई उच्चे नी ऊंच नीच की भावना नू खत्म किया उन्होंने उस टाइम दे विच के चार बंदे इक्को ही चाहे वह लेडीज हैं चाहे अपने भरा बंदे हैगे है वो सारे चार बंदे कट्ठे होके इक्को ही थाली चो खांदे रहे ने। हुण वो प्रथा हट गई है कुछ, क्योंकि कन्वीनियंस लोग देखते ने वह अपनिया आर्टिफिशियल थाली च फड़ा देंगे उत्थे अपना अपना खाना खा के लुक उठ जाते हैं। सो उस टाइम दे विच असी देखते सीगे कि बहुत आनंद आता सी, वो ज़्यादा अच्छा लगता सी अमृत वर्गा, और अचार खाने च मिर्चा। मैनू एक दफा याद है कि यह जिहड़ी प्रथा हैगी है कि झूठ नहीं छड़नी बिल्कुल भी, असी तो मैं तो हूँ भी अपनी थाली उंगलों नाल चट के ऐन मांझी हुई कर दिनी हाँ। ये गुरु जी का हुक्म सी कि झूठ नहीं छड़नी, झूठ मीनस झूठ चाहे वह तिण चाहे वह एक दाने की है चाहे वह माड़ी जी लिबड़ी हुई है, झूठ मीनस झूठ वह छड़नी नहीं चाहिए जो थानू लंगर प्रसाद मिलता है, क्योंकि वह अमृत है। उस वेले पता नहीं गुरु जी ने साढ़े आदियां व्याधियां मतलब दूर केड़ी केड़ी रोग साडा मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक किन्ने सानू उन्होंने लाइट देनी है अंदर ये सारी बीमारियां दूर करके। सो वो इस वास्ते ना पानी का तुबका चाह का तुबका गिलास दे विच है जड़ा वो बिल्कुल एक तुबका भी नहीं छड़ना चाहिए, वो थानू पुट्ठा करके अपने अंदर पा देना चाहिए गिलास, गिलास दे विचों एक जड़ा लास्ट तुबका है ना वो पुट्ठा अपना गिलास करके अपने मूँह के अंदर वो पीना चाहिए। उसके अंदर पता नहीं उन्होंने किस अमृत है कि वह कि रोग का इलाज है वो उन्होंने ही पता है। सो मेरी संगत को बेनती है कि अगर अज तक वो कोई छड़दे भी रहे ने तो खाना नहीं तो वह छड़ना नहीं है बिल्कुल भी। एक गुरु जी महाराज होर कहते होंगे सी कि लंगर प्रसाद तुसी जो भी थोड़ी थाली च है वह तुसी उत्थे बैठ के सत्संग दे विच बैठ के ही खाना है, घर नहीं लैके जाना। कहते होंगे सी जे इत्थे खाओगे तो वह दवाई है तो जे तुसी घर ले जाओगे तो मिठाई है, मिठाई मीनस रोग पैदा करती है तो दवाई मीनस थोड़े रोग दूर होंगे जे तुसी इत्थे बैठ के खाओगे। सो मेरी संगत नूं बेनती है कि अगर कोई भुल भी जा गए हो या किसी नूं नहीं पता हो, क्योंकि जिहड़ी नवी संगत है उन्होंने कई गल्लां नहीं पता, सो ओ सानू जरूर लै लैनी चाहिए है गुरु महाराज का प्रसाद समझ के, और हरेक व्याधि का इलाज समझ के वह लै लैनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। बाकी तो गुरु महाराज के खा लंगर बरताया हुआ जड़ा सानू मिलता रहा है अचार चटनी। अच्छा एक होर चीज़ मैं देखी, मैं बिचों कई दफा स्किप करके दूजी जगह पहुँच जाती हाँ, एक होर चीज़ मैं देखी उन्हां कई दा इलाज मिर्च नाल भी करदे सीगे, खाने दे विच मिर्च आ जांदी सी, और उस बंदे नूं जे तो मिर्च नहीं सी खाधी जांदी
ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੜਕੇ ਦੀ ਮਿਰਚ, ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਮਿਰਚ ਆਈ, ਉਹ ਹੋ ਹੋ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਲੀਕ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਛੱਡਣਾ ਮੀਨਸ ਜਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਚਾਹੇ ਮਿਰਚ ਚਾਹੇ ਮਿਰਚ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਮਿਰਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਮਿਰਚ ਆਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਆਧੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਸਾਈਆਂ, ਬਸ ਉਸ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਾਵ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤੁਰ ਰਜ ਤਮ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵ ਹੀ ਐਸਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਆਂਟੀ, ਮਨ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਟੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆਂਟੀ। ਬਸ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਐਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਹੈਂਡਿਡ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਫੋਰਵਰਡ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਝੋਂਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ,
हर साल हुंदा उत्थे जुलाई च, तां मैनू एक्चुअली ना मेरी याददाश्त बहुत है नहीं जी, गुरु जी दे एक्सपीरियंस ही सारे याद ने, लेकिन एक तो वह टाइम पर नहीं याद आते और जदों बोलन लगती है रौच फिर पता नहीं लगता कितने कितने पहुँच जानी, फिर मैं अपने आप च नहीं होंगी, लेकिन अदरवाइज ना मैनू गल्लां भुल जांदियां ने जी, इंसीडेंट्स भुल जांदे ने, याद नहीं रहिंदे, उन्हां दी मेहर हुंदी है, उन्हां दी गुरु जी दी मर्जी हुंदी है तो याद आ जांदे ने, नहीं तो भुल्ले रहिंदे ने। सो एक दफा असीं तरह शिमले गए, शिमले भी सानू उस तरह की खुशबू गुरु जी दी महसूस कीती, सारे लोगों ने महसूस कीती, 5-7 मिनट रही फिर वो झोंका चला गया, होर कितने होर किसी नूं कृतार्थ कर रहे होने ने उस वेले। और इस तरह के मतलब ना जदों उत्थे मिठाई बंटदी सीगी उदों भी गुरु जी कहंदे हुंदे सी ये दवाई है, बड़ी मिठाई खाई सी मैं कहनी पता नहीं कित, और शुगर के पेशेंट्स भी धन भाग सोचते होने भी गुरु जी के नाम से खाई जाने हैं, नहीं तो देख नहीं देंदे उन्होंने, तो बहुत मिठाई बंटती सी, बहुत खाई दी सी, और कई दफा तो इंज हुंदा सी भी इन्नी सारी मिठाई, इन्नी मिठाई पता नहीं गुरु जी दे कोल आई जांदे सी, डब्बे गुरु जी वंडी जांदे सी जां उत्थों ही पैदा करी जांदे होने ने, उन्हां नूं कहड़ा लोड़ पैंदी सी जी किसी की होर मिठाई की वंडन की, उत्थों ही पैदा करी जांदे होने बैठे, क्या सीगे उह कोई जादूगर सीगे, कोई खान सी उत्थे, कोई पता नहीं की सीगे, उन्हां नूं समझना ही बड़ा मुश्किल है गुरु जी नूं तां इस तरह, पर कुछ ऐसा सीगे जेड़ा आम नहीं है, उह ही सीगे बस इक्को ही हैगे ने, भाव है हुण भी उह ही रौ है, खुशबू दे उह ही झोंके हुण भी आउंदे ने, एक खास खुशबू है उन्हां दी जिहड़ी संगत नूं पता है, बहुत लोगों नूं पता है वो जिहड़ी, और नवी संगत चों शायद उन्हां नूं ये पता ना होवे भी ये संगत ये खुशबू गुरु जी की है, उन्हां नूं भी जरूर आउंदी होगी, क्योंकि कृपा तो गुरु जी तो खुले दिल दे बहुत दानी बंदे सीगे हैगे ने, उन्हां दा तां मतलब भर भर मुठियां जिहड़ियां देण वाली गल सी ना उन्होंने लुटाया, हुण भी लुटा रहे ने, ऐसा गुरु जिसका लंगर इन्ना चलता होवे लखां दी गिनती च और वो घटदा नहीं है, हुण भी मिलदा, तुसी किसे गुरु जी दे संगत दे विच सत्संग च चले जाओ तुहानूं लंगर प्रसाद ते चाह प्रसाद आही दुनिया दी चीज है अजकल, वह थोनू जरूर मिल जाता है। फिर हूँ तो लोगों ने गिफ्ट बड़े देने शुरू करते गुरु जी ने, लोगों के थ्रू भेजी जाते हैं वह भी मिली जाते हैं, अपने संगत प्यारी मिली जाती है, लोग इन्ने अच्छे मिल रहे हैं, संगत इन्नी ज्यादा वध रही है कि तुसी गुरु जी का नाम लै दो ते लोकी थोड़े अपने बन जाते हैं। सो इन चीज़ों के नाल मैं मतलब इन्हें अपने एक्सपीरियंसिस या अपने भाव वो सारिया दे नाल मैं वो इंजॉय कीतियां हुई मोमेंट्स जदों सत्संग चलता हुंदा सी, शब्द कीर्तन चलता सी गुरु जी दे महाराज दे। अच्छा होर पिछों सच गुरु जी दे दरबार च नचना गाना बड़ा चलता सी, गजना बहुत चलदियां सीगियां जिहड़ियां के पुरानियां सारियां, और गजना गाण वाले भी बहुत आंदे सीगे उन्हां दिनां च, हुण भी आंदे ने, और दरबार दे विच पिछों नचना गाना गिद्धा सब कुछ चलदा सी, डांस गुरु जी ने सब नूं छुट्टी दित्ती होई हुंदी सी, सब मतलब सब तरह दे एंजॉयमेंट सी, किसी नूं मना नहीं सी करदे, वो बोलदे तां है ही नहीं सी गुरु जी, पता नहीं किवें की करी जांदे सीगे, पता नहीं की कुछ करी जांदे सीगे, की हुंदा सीगा वह सब कुछ, सब नूं जो किसी दा टेस्ट हुंदा सी सब दे ही जांदे सी विच ही। सो अज भी जिहड़ा जिंदगी दा असली मकसद है आनंद प्राप्त करना, और वह आनंद जिहड़ा किसी दूसरे नूं दुखी ना करे, किसी दूसरे की कॉस्ट ते ना होवे, वह आनंद गुरु जी दे रहे सी, हुण तक वह मिल रहा है, दिन ब दिन गुरु जी का वध रहा है, उन्हां दा कहना यह सच हो रहा है, जिस तरह वह कहंदे हुंदे सी कि मेरे पिछों लाइना लगनगियां लोगों नूं जगह नहीं मिलनी खड़े होण दी, वो सचमुच इस तरह दिल्ली कभी देखा हो जाके, आपने बहुत सारे लोग जाने वाले ने ज्यादातर,
तीन चार किलोमीटर च गड्डियां खड़िया होंदिया ने और लोग फिर वो साढ़े वर्गे बुढ़िया नूं चुकण लई मैं तो अपने आप नूं बुढ़ी समझदी नहीं वैसे पर फिर भी है तो जिहड़ी शरीर की असलीयत है वह तो है ही है वो उस रश दे विच चलना मुश्किल हो जाता है। गड्डियां लगाईया होंदिया ने साढ़े वर्गियां नूं चुक के मंदिर तक पहुँचा देंदिया ने उत्थों मंदिर तो चक के गड्डी तक पहुँचा देंदिया ने। सो ये सारा गुरु जी का ही करिश्मा है होर किसी के वस की गल नहीं है जी। जे सोचिए कि अपने देश की पुलिस इस तरह कर लूगी या कुछ है वह उत्थे तो है ही नहीं इस तरह कुछ भी डर का माहौल तो है ही नहीं बिल्कुल। तमन्ना है जरूर एक लोगों एक इच्छा है लोगों के अगे बढ़ के असी दर्शन करिए दर्शन तो उन्होंने हर जगह ही हो जाते हैं। मेरे तो हूँ कई दफा जाया नहीं जाता मेरी मेरे ग्लूकोमा है एक अख तो मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है दूसरी अख मेरी 20% बाकी है वह भी कदों महाराज ने दिव्य ज्योति दे देनी है पता नहीं और मैं तैयार हाँ। मेरे तो बहुत जगह सत्संग च नहीं जाया जाता जे कोई लै जाता चल जाती हाँ नहीं तो नहीं जाता। सो उस कंडीशन दे विच मैं देखा कि हाले भी सत्संग च लै जाते अपने आप ही चले जाते लोग लै जाते हैं और या टैक्सी के पैसे कई बार मैं दे दिनी हाँ तो मेरे नाल कोई ना कोई संगत तैयार हो जाती है। सो गुरु जी ने बहुत दिता है बहुत दिता है मुक्कण वाली चीज नहीं है जी उन्होंने खुशबू है और जी उन्होंने भावना है जोड़ा उन्होंने सिर ते हाथ है वो जान वाला नहीं है उन्होंने जिंदा रख्या होया है इज्जत मान नाल जिंदा रख्या होया प्यार नाल जिंदा रख्या होया है ये छोटा प्रसाद नहीं है। हूँ मैं जय हो गुरु जी थोड़ा फिर शुक्राना है मैं चरण थोड़े चरण हूं तक याद आते ने साफ सुथरे कोमल कमल वर्गे हाथ पैर गुरु जी दे इस तरह के ही जो वो सीमा चे एक बंदे हुए। सो मैं पता नहीं की कुछ बोल गई हाँ मैनू नहीं पता ना मैं कदे कोई नोट्स बनाए ना मैनू कुछ पता नहीं कुछ भाव जो मेरा आया है वो मैं थोड़े नाल शेयर किया संगत जी कोई गलती की हो मैं क्षमा मांगी।